अबे वही छप रही, ये क्या पहना हुआ है भाई? क्या अच्छे तो कपड़े लग रहे हैं भाई तुझे, लग रहे होंगे इससे अच्छे कपड़े तो मेरे कुत्ते पहन लेता है। भाई कुत्ते कपड़े ही नहीं पहनता, क्या मजाक कर रहा है भाई? यही तो बोल रहा हूँ, तू कपड़े नहीं पहन इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपसे हर कोई बोलता है भाई कैसे कपड़े पहनता है, तो आपसे नहीं हो, क्योंकि हम आपको चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आपका स्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। इससे अपना जो स्टाइल है आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। आपको इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरे किसी काम में नहीं आने वाली, बड़ी आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और आपकी जो फैशन मिस्टेक है उन्हें कंप्लीट करके पूरा ख़त्म कर देती हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी सबसे बड़ी गलती, अगर आप है ना जॉगर वगैरह पहनते हो जो है ना स्पोर्ट्स के कपड़े रहते हैं आप उनके अंदर, आप स्लीपर पहनते हो आप काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हो। बट आप ये जींस वगैरह के साथ में पहन सकते हो स्लीपर, मैं नहीं बोल रहा पहनो उसके साथ भी आप ना शूज़ पहनो, बट आप ये जॉगर वगैरह के साथ तो बिल्कुल नहीं पहने ना स्लीपर, आप इसके साथ में शूज़ पहनो, और साथ में बेहतर है कि स्पोर्ट शूज़ पहने ना कि नॉर्मल शूज़ पहने, आपको काफ़ी बेकार लगते हो। और आपको ये सबसे बड़ी आपकी फैशन की मिस्टेक, अगर आप है ना स्पोर्ट्स के कपड़े पहनेंगे उसके साथ में है ना फॉर्मल है ना शूज़ पहने तो कितने ज़्यादा बेकार लगने वाले हैं, आप ये खुद देख सकते हो। और आपको बूट तो बिल्कुल नहीं पहनना। आपकी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप जो है ना स्लीव्स वगैरह लेते होंगे टी शर्ट की हाफ स्लीव्स की, तो उनकी जो है ना स्लीव्स बड़ी हो रही हैं, तो उनको आपको या फिट करवा लेना या उन्हें पहनना ही नहीं है। अगर आप ऐसे करके पहन रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है, क्योंकि वो ऐसे निकल रही हैं एकदम, आप देखेंगे तो साइड से बड़ी अजीब लगती है। और आप अपना इस तरीके से हाथ उठाते हैं तो आपकी पूरी अंडर आर्म्स दिखते हैं। आपको ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, और आपको अभी सुधारना होगी। अगर आपकी ऐसी कोई सी शर्ट है तो आप उसे या पहने नहीं, और अगर पहने तो उसे अच्छे से फिट करवा लें। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपके हेयर। अगर आप ना जिस टाइप के कपड़े पहनते हो, आप अगर फॉर्मल पहनते हो तो आप फॉर्मल के हिसाब से अपने ना हेयर को डिज़ाइन करो, आप स्टाइल करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं फॉर्मल नहीं पहनता, तो आप बिल्कुल उस टाइप के हेयर बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं करें, आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगता। आपको लगता है मैं स्टाइलिश हेयर करता हूँ तो फिर आप स्टाइलिश कपड़े पहने। ऐसा नहीं हो कि आप है ना मिक्स करना चाहते हैं, नहीं मैं तो है ना हेयर है ना करवाऊंगा फॉर्मल और स्टाइलिश कपड़े पहनूंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है चीज़। आपको जिस टाइप के कपड़े पहनना है उस टाइप के आप हेयर रखें, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी ना पैंट की लेंथ। अगर आपको अपनी पैंट लेंथ जितनी लेना है आप उतनी लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार ले ली और आप सोच रहे नहीं अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे एक बार कटवा लें अच्छे से आप नीचे से, और अपनी लेंथ को बिल्कुल फिट करवा के रखें। अगर आपके ना शूज़ से बिल्कुल नीचे जा रही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है। आपको ध्यान रखना, अगर आप ना फॉर्मल पहन रहे हैं तो नीचे जा रही है तो वो थोड़ी चल जाएगी, बट अगर आपने ना एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने आपने कैजुअल पहन के रखें फिर नीचे जा रही है तो आप काफ़ी ज़्यादा बेकार लगने वाला। आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। और आपको ना पैंट की फिटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी नहीं मालूम कैसे होगी तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी, और मैं फ्यूचर में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। अगर ये मिस्टेक आप करते हो तो आपकी हाइजीन भी बिगड़ेगी और आपकी जो है ना परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। आपको ध्यान रखना है, आप है ना कोई से टाइट कपड़े पहन रहे हैं जींस वगैरह, उसके ऊपर आपने ना बॉक्सर पहन के रखा है, उसके ऊपर से आपने पैंट पहन ली, तो आपकी जो हाइजीन भी बिगड़ेगी, साथ में जो आपके प्राइवेट पार्ट का एरिया उसका दाने वगैरह हो सकते हैं, इससे आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलेगा। आपको ध्यान रखना, गलती बिल्कुल नहीं करना। और आपको इस टाइम में ऐसा सॉफ्ट अंडरवियर पहनना है, जैसे कि आप है ना बिल्कुल वी शेप में आप ऐसे अंडरवियर पहने जो बिल्कुल हल्के रहते हैं, आपकी जो हाइजीन भी नहीं बिगड़ेगा, साथ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप ऐसी गर्मी पहनते हैं चीज़ तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। ये फैशन मिस्टेक आपको सिर्फ भारत ध्यान देना, ऐसा नहीं आपने जो घर कपड़े घर में पहनने आप उसके साथ में ये चीज़ करें तो इतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बट आप बाहर कर रहे हैं आप बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कपड़ों को प्रेस करके रखना चाहिए अगर आप जिन कपड़ों में बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं आप जिनमें घर में रह रहे हैं आप जिनको है ना बाहर पहन के नहीं जाते तो उनको नहीं करें, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट आप बाहर जा रहे हैं उसके ऊपर आपको करना बहुत ज़रूरी है प्रेस। इससे आपका जो लुक रहता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, और जो आपके ना कपड़े रहते हैं जो शल वगैरह आ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं, बट अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपके कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आपका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ लोगों को दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में कमेंट करें। और आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ध्यान रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसका हम सेकंड पार्ट ला सकते हैं, और आप है ना कमेंट करके बताएं आपको चाहिए और ठीक है नहीं चाहिए होगा तो नहीं लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। ध्यान रखें, स्टे इट, कीप योर स्माइल, नो हिट स्प्रेड, ओनली लव, लव यू ऑल, गुड बाय।